Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we will study about the poet of the East, Allama Iqbal. Let's start. Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, was born in Sialkot, a town of Punjab, on 9th November 1877. Allama Muhammad Iqbal, Shaare Mashriq, 9 नवंबर 1877 को पंजाब के कस्बे सियालकोट में पैदा हुए. ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन हिज होम टाउन. उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने आबाई कस्बे से ही हासिल की. इन 1895 ही वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर. 1895 में आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए. ही पास्ड हिज एमए इन 1899 फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. आपने 1899 में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए पास किया. इन द सेम ईयर ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ अरबिक एट द ओरिएंटल कॉलेज लाहौर. इसी साल आप ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में अरबी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए. ही हेल्ड दिस जॉब टिल 1905. आप 1905 तक इस ओहदे पर फाइज रहे. इन दैट ईयर ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज. इसी साल आप आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए. इन लंदन ही रिसीव्ड अ लॉ डिग्री. लंदन में आपने कानून की डिग्री हासिल की. इन 1908 ही वॉज अवॉर्डेड अ डिग्री ऑफ पीएचडी बाय म्यूनिक यूनिवर्सिटी फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फिलोसफी. 1908 में आपको ईरानी फलसफा पर तहकीकी काम की वजह से म्यूनिक यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री दी. दैट्स व्हाई ही इज नोन एज डॉक्टर मोहम्मद इकबाल. यही वजह है कि आप डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के नाम से जाने जाते हैं. अल्लामा इकबाल इज जनरली नोन एज अ ग्रेट पोएट. अल्लामा इकबाल बहसियत एक अजीम शायर जाने जाते हैं. He was no doubt a great poet. इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अजीम शायर थे. But poetry was only one of his many accomplishments. लेकिन शायरी उनके बहुत से कामों में से एक है. He was well versed in philosophy both eastern and western. आप मशरकी और मगरबी दोनों फलसफों के माहिर थे. He pointed out the defects in some of the philosophical system of the west. आपने मगरब के फलसफियाना निजाम के कुछ नुकायस की तरफ इशारा किया. ही डिवोटेड अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज लाइफ टू द स्टडी ऑफ इस्लाम. आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इस्लाम के मुताले में वक्फ कर दिया. ही ऑल्सो टुक एन एक्टिव पार्ट इन द पॉलिटिक्स. आपने सियासत में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. ही वर्क फॉर द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया विद ग्रेट करेज. आपने बहुत हौसले और हिम्मत के साथ जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए काम किया. ही वॉज इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1926 एंड हेल्ड दैट ऑफिस टिल 1929. वो 1926 में पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर मुंतखब हुए और इस ओहदे पर 1929 तक रहे. ही डिड नॉट सीक री इलेक्शन. आप दोबारा इस ओहदे के इंतखाब में शरीक नहीं हुए. ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ पंजाब ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड हेल्ड दैट पोस्ट टिल हिज डेथ. आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पंजाब ब्रांच के सदर मुंतखब हुए और अपनी वफात तक इसके सदर रहे. इन 1930 ही प्रिजाइडेड ओवर द अलाहाबाद मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. 1930 में आपने अलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसे की सदारत की. इट वॉज ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन. ये वो तारीखी मौका था दैट ही मेड अ डेफिनेट डिमांड फॉर द मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया. कि आपने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया. इन हिज प्रेजिडेंशियल एड्रेस डॉक्टर इकबाल सेड. अपने सदारती खुतबे में डॉक्टर इकबाल ने कहा, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and believing in different religions. के हिंदुस्तान
मुख्तलिफ इंसानी ग्रोहों का बरे आजम है जो मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखते हैं, मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं और मुख्तलिफ मजहबों पर यकीन रखते हैं। देयर बिहेवियर इज नॉट गवर्न्ड बाय अ कॉमन रेस फीलिंग, इनका तर्ज अमल मुश्तरका नस्ली एहसासात के तहत नहीं रह सकता। दीज ग्रुप्स आर ऑल सेपरेट नेशंस, ये तमाम तबके मुख्तलिफ कौमें हैं। द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडिया विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, हिंदुस्तान में यूरोपीय जमहूरियत का असूल नाफिज़ुल अमल नहीं हो सकता जब तक के इन मुख्तलिफ ग्रोहों की हैसियत को तस्लीम ना कर लिया जाए। द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज इन नो वे विदाउट जस्टिस, हिंदुस्तान के अंदर ही एक मुस्लिम हिंदुस्तान का मुतालबा जो मुसलमान कर रहे थे किसी तरह से भी नाजायज नहीं था। फॉर माई पार्ट आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड, जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं एक कदम और आगे जाना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध एंड बलूचिस्तान यूनाइटेड अंडर अ सिंगल मुस्लिम स्टेट। मैं पंजाब, सूबे सरहद, सिंध और बलूचिस्तान को एक इस्लामी रियासत के तहत मुत्तहिद देखना चाहता हूं। द मुस्लिम्स आर एंक्शियस टू हैव अ सेपरेट स्टेट, मुसलमान एक अलहदा रियासत के लिए बेचैन थे बिकॉज दे फियर द हिंदू मेजोरिटी विच दे बिलीव विल नॉट अलाउ द मुस्लिम्स टू डिवेलप फ्रीली, क्योंकि वो हिंदू अक्सरियत से डरते थे, इन्हें यकीन था कि वो मुसलमानों को आजादी से तरक्की करने की इजाजत नहीं दे सकते। दिस डिमांड शॉक्ड बोथ द हिंदूज एंड द ब्रिटिश अलाइक, इस मुतालबे ने हिंदू और अंग्रेजों दोनों को यकसा धचका पहुंचाया। दे बोथ अपोज्ड इट, और दोनों ने ही इसकी मुखालफत की। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द डिमांड वॉज मेड फॉर अ सेपरेट इंडियन मुस्लिम स्टेट, ये पहला मौका था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के का मुतालबा किया गया था। डॉक्टर इकबाल डिड नॉट स्टॉप एट दिस, डॉक्टर इकबाल ने यहीं पर इक्तफा नहीं किया। ऑल हिज एफर्ट्स वर नाउ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल, अब उनकी तमाम तर कोशिशें इस मकसद के हुसूल के लिए सर्फ हो गई। इन मे 1937 डॉक्टर इकबाल रोट अ लेटर टू कायदे आजम मोहम्मद अली जना। मई 1937 में डॉक्टर इकबाल ने कायदे आजम को एक खत लिखा। इन दिस लेटर ही डिस्कस्ड इन डिटेल द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, इस खत में उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों के मसाइल पर तफसील से बहस की। ही वंस अगेन एडवाइज दैट ओनली द क्रिएशन ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट कुड सॉल्व दीज प्रॉब्लम, आपने एक बार फिर मशवरा दिया कि सिर्फ एक अलहदा इस्लामी रियासत का क्याम ही इन मसाइल को हल कर सकता है। एंड सेट टू कायद, और कायद से कहा, डोंट यू थिंक दैट द टाइम फॉर सच अ डिमांड हैज ऑलरेडी अराइव, क्या आपके ख्याल में ऐसे मुतालबे का वक्त नहीं आ गया? ऑन 21 जून 1937 ही अगेन रोड टू द कायद आजम। 21 जून 1937 को आपने दोबारा कायदे आजम को लिखा। अ सेपरेट फेडरल स्टेट ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस फॉर्म्ड ऑन द लाइंस आई हैव प्रपोज्ड, मुसलमान सूबों की एक अलहदा वफाकी हुकूमत जिसको इन खतूत पर तश्तील किया जाए जिसको मैंने तजवीज किया है, इज ओनली द वे बाय विच वी कैन हैव अ पीसफुल इंडिया, सिर्फ यही तरीका है जिसके जरिए हम एक पुरअमन हिंदुस्तान कायम रख सकते हैं। एंड सेव मुस्लिम्स फ्रॉम द रूल ऑफ नॉन मुस्लिम्स, और मुसलमानों को गैर मुस्लिमों की हुक्मरानी से बचा सकते हैं। द मुस्लिम्स अवोक फ्रॉम देयर स्लीप एज अ रिजल्ट ऑफ इकबाल्स एफर्ट, इकबाल की इन कोशिशों के नतीजे में मुसलमान ख्वाब से बेदार हुए। दे टर्न्ड ओवर अ न्यू लीफ, उनकी जिंदगी ने एक नया वर्क पलटा। Now they all wanted a separate Muslim state. अब वो तमाम एक अलहदा मुसलमान रियासत चाहते थे।
द मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटिंग द होल मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करती थी, मेट इन लाहौर एंड पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940। इसका लाहौर में इजलास हुआ और 23 मार्च 1940 को इसमें एक करारदाद पास की गई डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसमें वहां पर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत के कयाम का मुतालबा किया गया। दिस रेजोल्यूशन इज नाउ नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये करारदाद अब करारदाद पाकिस्तान कहलाती है। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड द मुस्लिम नेवर लुक बैक। इसके बाद मुसलमानों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दे पुट द हार्ट एंड सोल इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान के हुसूल के लिए दिलो जान से कोशिश की। दे सक्सीड इन देयर स्ट्रगल। वो अपनी जदोजहद में कामयाब हुए। ऑन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। इकबाल डाइड इन 1938। इकबाल की वफात 1938 में हो गई एंड कुड नॉट सी द एक्चुअल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और उन्होंने पाकिस्तान के हकीकी कयाम को नहीं देखा। बट ही हैड प्लेड अ मेजर पार्ट इन इट्स क्रिएशन। लेकिन उन्होंने इसके कयाम में एक अहम किरदार अदा किया। कायद आजम प्रेस्ड इकबाल रोल इन अ मैसेज ऑन हिज डेथ। कायद आजम ने इनकी वफात के मौका पर एक पैगाम में इनकी तारीफ करते हुए कहा, टू मी ही वॉज अ फ्रेंड गाइड एंड अ फिलोसोफर। मेरे लिए वो एक दोस्त, रहनुमा और फिलोसोफर थे। एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मूवमेंट थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो ही स्टूड लाइक अ रॉक। और तारीख के उन लम्हात में जिसमें मुस्लिम लीग को गुजरना पड़ा, ये एक चट्टान की मानिंद डटे रहे। He believed that faith in Islam made the Indian Muslims one nation, separate and apart from Hindus. उनका यकीन था कि इस्लाम पर एतकाद ने हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक कौम बना दिया है जो कि हिंदुओं से जुदा है। He strongly believed that in a united India where the Hindu majority would rule the country, the Muslim could not develop freely. उन्हें पुख्ता यकीन था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत मुल्क पर हुकूमत करेगी तो वहां पर मुसलमान आजादी से तरक्की नहीं कर सकते। ही हैड अ ग्रेट लव फॉर इस्लाम। इन्हें इस्लाम से बहुत मोहब्बत थी एंड वॉज कम्प्लीटली डिवोटेड टू इट। और आपने मुकम्मल तौर पर अपने आप को इसके लिए वक्फ कर दिया। बोथ हिज पोएट्री एंड प्रोज रिफ्लेक्ट दिस डिवोशन। आपकी नजम और नसर दोनों ही इस मोहब्बत की आईनादार हैं। ही ऑलवेज एडवाइज मुस्लिम टू रिमेन ट्रू टू देयर फेथ। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को अपने एतकाद पर सच्चा रहने की नसीहत की। इन हिज अलाहाबाद एड्रेस ही सेड, अपने अलाहाबाद के खुतबे में आपने फरमाया, आई हैव लर्न्ड वन लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स। मैंने मुसलमानों की तारीख से एक सबक सीखा है। A difficult moment in the history, it is Islam that has saved Muslim and not Muslim that have saved Islam. तारीख के मुश्किल लम्हात में ये इस्लाम है जिसने मुसलमानों को बचाया, ना कि मुसलमान जिन्होंने इस्लाम को बचाया। If today you put your faith in Islam, अगर आज तुम इस्लाम पर पुख्ता यकीन रखो, You will become strong and united once again. तो तुम एक मरतबा फिर मजबूत और मुत्तहिद हो जाओगे। And save yourself from complete destruction. और अपने आप को मुकम्मल तबाही से बचा लोगे। In today's video, we read and translate chapter Allama Iqbal. And in next video, inshallah, we will discuss all exercises of this chapter. Please like, share and subscribe YouTube channel. Take care. Allah Hafiz.